नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया और हम अभी हैं जयपुर के SMS हॉस्पिटल के मोर्चर के बाहर, जहां पर धरना प्रदर्शन जारी। और ये धरना प्रदर्शन इसलिए जारी है क्योंकि बागरोटा थाने में बाबूलाल बेरवास ने सुसाइड कर लिया था, जिसको लेकर यहां के उन परिजन और समाज के जो संगठन है उनके द्वारा धरना प्रदर्शन है। और ये धरना प्रदर्शन आज 6 दिन हो चुके हैं इस धरना प्रदर्शन को, और ये SIT से जाँच की मांग कर रहे हैं उसी को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन आप देख सकते हैं कई सामाजिक संगठन हैं, समाज के लोग हैं, वो लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उसी जो SIT की जांच की मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन ये दे रहे हैं। उसके आगे की क्या मुख्य मांगे हैं, क्या इनके आगे की रणनीति है, उसी को लेकर हमारे साथ कई सदस्य हैं, उनसे हम बात भी करना चाहेंगे। सर, क्या प्रमुख मांग है? देखिए, प्रमुख मांग यह है कि श्री बाबूलाल जी बैरवा ने अपने सुसाइड नोट में जिन जिन पदाधिकारियों को नाम लिखा है, पत्रकार कमल देवगुड़ा जी, जगदीश व्यास जी, अनिल कुमार शर्मा जी और निरीक्षक आशुतोष सिंह जी, इन लोगों ने इनको प्रताड़ित किया गया है। और ये लोगों को इन्होंने जो एक भूमि का मामला है, भूमि का बाल मुकुंदपुरा मार्ग में जिनको 8 करोड़ की बेची गई थी, इनके पदाधिकारियों ने SOC साहब समझो अन्य अधिकारी द्वारा इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था कि वहाँ क्यों जो लोग परेशान किया अवैध कब्जा किया जा रहा है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तत्पश्चात इन 3-4 व्यक्तियों ने इनको जोर बनाया कि आप दबाव डाला कि आप इन लोगों को छोड़िए, तो आप किस आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसके कारण उनको प्रताड़ित किया गया है। और ये उनको छोड़ने के लिए दबाव डाला और दबाव डाल के उनको बोले आप जो है गिरफ्तार करके लाए उनको छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को जब निर्देश मिले उसके आधार पर गिरफ्तार किया है। तत्पश्चात उन्होंने जो निर्दोष व्यक्ति थे जिन्होंने FIR दर्ज कराई गई है उनको गिरफ्तार करने के लिए दबाव डाला। उन्हें बोले मैं किस आधार पर गिरफ्तार करूं, मेरे पास कोई FIR नहीं है और मैं इसके आधार पर। इस प्रकार उनको जाति सूचक वर्णों से शब्द करके और प्रताड़ित किया गया। हमारी प्रमुख मांग है कि दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, 2 लोगों को उनको नियुक्ति दी जाए और उनके जो 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। हमारी सर, कोई डेलीगेशन आपका कोई सरकार से मिला हो या सरकार से कोई प्रतिनिधि आपके पास आया हो, सब कुछ 6 दिन आज ऐसा है कि डेलीगेशन समाज के बंधु भी आ रहे हैं, अन्य पदाधिकारी, ये केवल बैरवा समाज का वो नहीं है आंदोलन, ये सर्व समाज का है जो मानव धर्म को समझदार का। मैं तो ये कहता हूं कि एक सामाजिक एक राज्य सेवक होते हुए सुसाइड कर रहा है और उसके उपरांत ये कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, कई बाबूलाल बैरवा मरेंगे जब ये सुसाइड नोट किया जा रहा है, लिख के दे रहा है कि गिरफ्तार किया जाए, तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? दबाव डाला जा रहा है और उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं किया जा रहा? ये एक जाति विशेष का नहीं है, ये सर्व समाज का है, ताकि अन्य बाबूलाल बैरवा अपने इसको जो फंदा लगाया है वो गले नहीं लगाए। इस कारण मेरा तो यही है कि इन लोगों को दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और इसको न्याय दिलाया जाए। डेलीगेशन आपकी तरफ से? हमारा डेलीगेशन बराबर 22 तारीख को जब से डेथ हुई आज 6 दिन हो गए, 23, 24, 25 और 26 3-4 दिन से लगातार डेलीगेशन मिल रहा है। डिप्टी CM साहब से मिल रहा है, हमारे जो जॉर्ज जोसफ साहब हैं, कमिश्नर साहब है, राष्ट्रद्वीप साहब है, उन पर मिल रहे हैं, लेकिन मात्र वो सहमति ये करे जब तक जांच नहीं हो जाती मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता। हमें ये बताना होगा कि गिरफ्तार क्या जांच होने उपरांत भी करते हो, अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करना चाहिए, जांच करके बाद छोड़ देना, लेकिन ये कहते अड़े हुए हैं कि गिरफ्तार जब ही करेंगे जब जांच हो गए। हमारा ये कहना है कि जब तक इनको गिरफ्तार नहीं करोगे हम कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए, अखबार में गुमराह किया जा रहा है कि इनके जो नोटिस है वो चस्पा करने के लिए घर गए हैं, जबकि यहाँ 50 कदम दूरी पर यहाँ बैठे हुए हैं और उनको यह सर्व नहीं कर सकते थे। और जनता को गुमराह करके इस आंदोलन को पीटने के लिए, इनको कमजोर करने के लिए और उनके समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि हम तो तैयार हैं और ये खुद नहीं चाहते। कुछ पहले CBI की मांग होती थी, अब SIT की निवेदन करूंगा। अभी भी हमारे ऑथेंटिक न्यूज तो यह है कि हमारे समाज के जो MLA विधायक महोदय हैं वो माननीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब से संपर्क में हैं और वो बजनला सरोवर साहब से भी मिलने के लिए प्रयास करते हैं। बराबर हमारे विधायक महोदय प्रेमचंद जी बैरवा से संपर्क हैं कि इसको किसी न किसी प्रकार इसको आंदोलन को समाप्त करवाएं और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिया जाए। माननीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब भी इसमें सहमत है कि मैं दोषियों को न्याय दिलाऊंगा, अवश्य दिलाऊंगा और दबाव हमारे विधायक महोदय का पूरा लगा।
तो ये देखिए, ये बात कर रहे हैं कि इनका जो डेलीगेशन है वो प्रेमचंद बेरवा के संपर्क में है, जो डिप्टी सीएम है राजस्थान के, उनके संपर्क में है और उनसे समाज के हित में और एक ऑन ड्यूटी जो बता रहे हैं, जो कांस्टेबल थे वाकरोटा थाना में मुकुलपुरा चौकी में इनका जो शव पाया गया था, वहाँ इन्होंने सुसाइड किया था। तो ऐसी तमाम जो मांग है उसकी, पीड़ित जो परिजन है उनको नौकरी और मुआवजे की मांग ये कर रहे हैं, उसे SIT की जो है वो जांच की है मांग कर रहे हैं, एक जो इनका डेलीगेशन है वो जो संपर्क में है प्रेमचंद बेरवा के, और भी कहीं यहाँ पे जो है युवा साथी, युवा भी बैठे हुए हैं, कहीं और भी साथी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज 6 दिन इस धरना प्रदर्शन को हो चुका है। तो आप देखिए, और भी सर, आप 6 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, मांग आपकी क्या क्या है? सर हमारी मांग नहीं है, ये स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी बैरवा की खुद की मांग है, उन्होंने अपने 6 पन्नों के सुसाइड पेज में लिखा हुआ है, जब तक मेरे आरोपियों सस्पेंड नहीं और वो जेल नहीं जाए तब तक मेरे को हर द्वार नहीं ले जाया जाए, ये हमारी मांग नहीं है, सर्व समाज की मांग है, बाबूलाल जी के परिवार की मांग है, खुद बाबूलाल जी की बाबूलाल जी खुद की मांग है। और मैं सुरेश गुर्जर नासनुदा जिला दूदू से हूँ, समाज सेवा का कार्य करता हूँ, पिछले 6 दिन से हम यहाँ हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा साहब को और DG साहब को और कमिश्नर साहब को कहना चाहता हूँ कि जो अपने राजस्थान में पुलिस का जो सिस्टम बना हुआ है कि उच्च अधिकारी नीचे के अधिकारियों को प्रताड़ित करता है, उनके प्रमोशन रोकते हैं, चाहे तो लोगों के प्रमोशन करते हैं, और जो सच्चा ईमानदार आदमी होता है उसको लाइन हाजिर करते हैं, कभी मौखिक आदेश पे दूसरी जगह लगाते हैं, कभी उसको किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। तो इसके ऊपर सरकार को और DG साहब को, कमिश्नर साहब को संज्ञान लेना चाहिए कि एक कमेटी गठित हो, एक आयोग हो, जो कि ये निर्धारित करे कि किस आदमी का प्रमोशन करना है और किसका रोकना है। कोई आदमी सही है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो उच्च अधिकारियों को चाहिए था नहीं, उसका प्रमोशन रुक जाता है, और कोई आदमी गलत भी कर रहा है और वो बड़े अधिकारियों के मुंह लगा हुआ है, उसका प्रमोशन हो जाता है। मैं आपको बता दूं, आज बाबूलाल जी बैरवा साहब का टाइम टू टाइम प्रमोशन और लाइन हाजिरी नहीं होती, सस्पेंड नहीं होते तो यह आज एक SHO होते, लेकिन इस सरकार का जो सिस्टम बना हुआ है पुलिस के प्रति ये बहुत गलत है। मैं माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब, DG साहब, कमिश्नर साहब को कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर संज्ञान लें, एक कमेटी हो जो किसी भी आदमी के खिलाफ, पुलिस के किसी भी अधिकारी के खिलाफ या सिपाही के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसकी एक कमेटी जांच करे, उसके बाद में उसको सस्पेंड किया जाए, उसके बाद में उसको लाइन हाजिर किया जाए, उसके बाद में उसको प्रमोशन रोका जाए। प्रमोशन रोक देने के नाम पे कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों से गलत काम करवाते हैं, और ईमानदार जो अधिकारी होता है वो गलत काम नहीं करता, और भाई बाबूलाल जी बैरवा की तरह अपनी जान दे देते हैं। तो ये जो सिस्टम का फेलियर है, जो सिस्टम में गलत ये है बना रखा है इन्होंने मौखिक आदेश का, लाइन हाजिरी का और प्रमोशन रोकने का, इसमें सुधार होना चाहिए। रही बात आंदोलन की, ये सर्व समाज का आंदोलन है, हम जायज मांगे मांग रहे हैं, और माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब हम इस परिवार की सुने, हमारी सुने, सब समाज की सुने। वैसे बातचीतों का दौर चल रहा है, डेली चल रहा है, हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई इस मामले को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए और बाबूलाल जी को न्याय दिलाया जाए। न्याय की जो मांग है वो लगातार जारी है, और आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं जो नारे की है वो लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं 6 दिन से, संगठन जो है तमाम संगठन है, कई समाज है, कई युवा लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, कई जो मृतक है उनसे भी हम यहाँ बात करना चाहेंगे। क्या प्रमुख मांगे, 6 दिन ही धरना प्रदर्शन क्यों हो गया है, क्या प्रमुख मांगों को लेकर आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये जो प्रमुख मांगे हैं ये उस परिवार की मांगे हैं, जो बाबूलाल बैरवा जी का परिवार है, उस परिवार को 2 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा, जो पूर्व विगत में जो घटना का क्रम हुआ उसका CBI जांच, राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष कमेटी द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच, क्या इसमें रहा इसके अनुसंधान के लिए वो डिमांड है, 2 सरकारी नौकरियों की मांग रखी है। मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, प्रदेश के मुखिया माननीय भजनलाल शर्मा जी से, ये चिंगारी लग चुकी है पूरे प्रदेश में, आज बाबूलाल बैरवा जी के न्याय की आवाज और नारा बुलंद हो रहा है। मैं कह रहा हूं आप अब मत सोइए, अब अगर आप सोते रहे तो ये जनता आपको जगाने का काम कर देगी, इसलिए आप जल्द से जल्द अपना प्रतिनिधि
या कोई मंत्री स्तर का आदमी यहाँ भेजे और जो परिवार की जो मांगे हैं इन्हें आप अमल करें और न्याय प्रदान करें और ऐसी लगाम लगाएं कि राजस्थान के जितने भी थाने तहसील है उनमें जो इस तरह के कर्मचारी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो पीड़ा सह रहे हैं। मुझे पता है ये सिर्फ न बाबूलाल जी के साथ हुआ, न जाने कितने लोगों के साथ हुआ है, लेकिन ये घटना तो चलो फैल गई, अखबार में आ गई, मीडिया में आ गई, तो न्याय की आवाज लगी है। और मैं आपके माध्यम से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी को भी संदेश देना चाहता हूं कि आपको तो प्रथम दिन से ही इनके साथ लग जाना चाहिए, क्योंकि आपके समाज का मामला है, आपकी समाज इस रोड पर बैठी है, आपकी समाज आपको याद कर रही है। अरे मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपका मान बढ़ता, आप आते, आप अपनी सरकार से लोहा लो ना, क्यों बैठे हो? अरे आपको समाज ने ही तो अपने पालड़ों पे बैठा के उप मुख्यमंत्री नियुक्त करवाया है। अरे आप शर्म करो कि आज छह छह दिन डेड बॉडीज बर्फ की सलियों के बीच में हैं। अरे कब जागोगे आप? मैं आपसे फिर विनम्र शब्दों में अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को लात मारो। अरे आपको हम भी आएंगे दोबारे। अरे आप तो डिप्टी सीएम, आपको सीएम बनाने का काम भी हम करेंगे, लेकिन आप हमारे भाई को न्याय तो दो, इन लोगों को न्याय तो दो। बड़ी शर्म की बात है कि आपने फेसबुक ट्विटर के माध्यम से अभी तक श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। मैं फिर कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार से, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, समय रहते हुए आप अमल करें वरना यह आंदोलन उग्र हो जाएगा। वो सीएम हाउस पास में है, वो पुलिस मुख्यालय पास में है, ये जेएलएन मार्ग पास में है। अरे आप दिल्ली जैसी, किसान आंदोलन जैसी अगर हत्या कराना चाहते हो प्रदेश की, तो ये जनता रुकने वाली नहीं है जी। ये देखिए, ये मांगे हैं जो प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर डिप्टी सीएम जो प्रेमचंद बैरवा है राजस्थान के, उनको उनसे मांग कर रहे हैं। भदन लाल जो मुख्यमंत्री शर्मा है, मुख्यमंत्री है, उनसे ये मांग कर रहे हैं कि उचित जो भी है पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिया जाए और जो मुआवजा राशि है और सरकारी जो नियुक्ति है वो दी जाए। मैं अभिषेक, कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ, जयपुर।